एशिया कप में शिरकत के लिए भारत ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का माइकार्ड इतना आसान नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जय शाह जब गए थे यूएई में नजम सेठी से मुलाकात करके, तो उन्होंने एक तरह से आमादगी भी जाहिर कर दी थी हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जब वो घर गए तो शायद उनके अब्बू ने उनकी खिंचाई कर दी कि बेटा ये क्या बातें करके आ गए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शरीफ खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज चल रही हैं, खासतौर पर वर्ल्ड कप के हवाले से कि क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगी या क्या भारतीय टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगी। ये सारे मौजू भी आज हम अपने दहरे से बुलाएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप में शिरकत के लिए भारत ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान ने भी जोश में आके कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे। ये मामला चल ही रहा था कि गुज़िश्ता दिनों यूएई में एक मीटिंग हुई, आईसीसी की, एसीसी की भी मीटिंग हुई साथ में, वहां पर साइड लाइन पे जो मुलाकातें हुई उसमें पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उनमें इंडियन टीम अगर नहीं खेलना चाहे तो ना खेले, बाकी मैचेस पाकिस्तान में, इंडिया के मैचेस किसी तीसरे मुल्क में कर दिए जाए, जिसके लिए श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश, कोई भी हो, कहीं पे भी करा दिए जाए। शुरू में तो इंडिया ने इसमें थोड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, बाद में वो मान गए और उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों फिर ऐसी खबरें सामने आई जिसमें इंडिया की तरफ से कहा गया कि नहीं जी, पूरा इवेंट ही आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा दें, यूएई में करा दें, श्रीलंका में करा दें। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी वो बातें आई कि हमारी टीम भी नहीं जाएगी इंडिया। उधर भी कहा कि हाइब्रिड मॉडल उसी तरह से अपनाएं कि बाकी मैचेस इंडिया मेजबानी करें, पाकिस्तान के मैचेस कहीं और करा दिए जाएं, जैसे बांग्लादेश में करा दें। तो बड़ी खिचड़ी पकड़ी है, काफी कुछ चल रहे हैं ऐसे मामलात, मसाइल चल रहे हैं, इतना सादा ये सब कुछ नहीं है। अमूमन पहले ऐसा होता रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलता रहा है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और आपने देखा होगा कि भड़के भी बड़ी मारी रमीज राजा साहब ने भी, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी जिंदगी रमीज राजा साहब इंडिया इंडिया करते रहे। जब चेयरमैन बने तो उनको फिर ये बातें याद आई, उन्होंने काफी बयान भी दे दिए, वरना अगर आईपीएल चल रही होती पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ या पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ तो रवीज राजा इन दिनों भी पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में ही बैठे होते। यूट्यूब पे उनके सारे सब्सक्राइबर जो हैं 90% या 80% इंडियंस ही हैं। जब वो लाइव शो कोई करते हैं तो इंडियंस ही ज्यादातर देख रहे होते हैं, अजय, विजय, रवि, सब इस तरह के सारे जो इंडियंस हैं। अब लेकिन जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे दो, उन्होंने बयान दे दिए। अब नजम सेठी आए, उनके लिए भी मसला था, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है तो फिर लोग कहते थे रमीज सच्चा आदमी था, नजम सेठी जो है ये गलत कर रहा, तो उन्होंने भी फिर इसी तरह की बातें की। लेकिन अगर हम जमीनी हकायक का जायजा लें तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का माइकार्ड इतना आसान नहीं है। अरबों रुपए पाकिस्तान को मिलते हैं वर्ल्ड कप में शिरकत से आईसीसी की जानिब से, तो इतनी जल्दी हम उसको खो नहीं सकते, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी पीएसएल से हमारे खजाने भर गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कितने खजाने भरे हैं कि अरबों रुपए आ गए होंगे। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता वर्ल्ड कप का बायकॉट, लेकिन इसी तरह इंडिया भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये नुकसान कि अगर पाकिस्तानी टीम वहां खेलने जहां जाए। पाकिस्तान टीम बहुत बड़ी कुवत है क्रिकेट की, हमारे पास बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे पास बाबर आजम है, शाहीन है, रिजवान है, दुनिया भर में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। अगर वो नहीं गए खेलने, पाकिस्तान ने बायकॉट किया वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप का तो मजा ही खराब हो जाएगा सारा। आईसीसी भी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से आईसीसी की कुछ चलती नहीं है इंडिया के सामने, इंडियन गवर्नमेंट अहमियत नहीं देती उसे। अगर ऐसा होता तो जो टैक्स माफ करने के लिए आईसीसी हमेशा कहती है इवेंट में, वो माफ कर दिया जाता, लेकिन पहले भी टैक्स माफ नहीं किया गया था और इंडियन बोर्ड ने अपने प्रॉफिट में से आईसीसी का नुकसान पूरा किया था। इस बार भी अगर वर्ल्ड कप इंडिया को कराना है तो यही करना पड़ेगा। मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जय शाह जब गए थे यूएई में नजम सेठी से मुलाकात करके, तो उन्होंने एक तरह से आमादगी भी जाहिर कर दी थी हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जब वो घर गए तो शायद उनके अब्बू ने उनकी खिंचाई कर दी कि बेटा ये क्या बातें करके आ गए हो, तो फिर अब शायद ये लोग पीछे हट रहे हैं हाइब्रिड मॉडल से। अब ये कह रहे हैं कि जी एशिया का पूरा न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाओ और आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए आओ, हम कोई न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं कराएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, देखते हैं किसको किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडल करता है। अगर इतनी बातें करने के बाद एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ने
मोदी ये कहा कि हम स्वैप कर रहे हैं इसको बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ, तो ये बहुत गलत होगा और आवाम इतने बेवकूफ नहीं है शायद क्रिकेट की ये समझ ना पाए कि ऐसा क्यों हुआ। जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो उन पर आप टाइम भी रहे, एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल ही आप मंजूर करवाएं और उसके बाद फिर इंडिया को भी कहें कि भाई हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस भी कहीं और लेके जाइए, या साफ साफ आप बात करेंगे जी पैसा बहुत है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज। देखते हैं इसको किस तरह से टैकल करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को, लेकिन वो कहते हैं ना पहले तो लो फिर बोलो, वो चीज जो है अब आड़े आएगी क्योंकि होता ये है कि पब्लिक के लिए कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं बाद में फिर वो समझ आता है कि यार ऐसा किया तो बड़ा नुकसान होगा इसको कैसे झेलेंगे, तो शायद इस वक्त वही सूरत हाल आ गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस की, तो मिकी आर्थर के पीछे पीसीबी ऐसे पड़ा था जैसे वो दुनिया के आखिरी आर्थर भाई आ जाओ प्लीज आ जाओ, इंग्लैंड से पाउंड लो हमसे डॉलर लो अपने दोस्तों को कुछ बनाओ आ जाओ बस, तो इतनी मिन्नतें की वो बेचारे फिर अब तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा आऊंगा तो कंप्यूटर पे आऊंगा, फिजिकली बहुत कम ही आऊंगा क्योंकि डार्बी शायर के साथ भी खुफियात हैं, ब्रेडबर्न को हेड कोच बनाने के साथ मॉर्कल जो है तो फिर बॉलिंग कोच बनाया जा रहा है और भी सारे गैर मुल्की जो भी लिस्ट आई है अभी तक ऐलान तो नहीं किया लेकिन गैर मुल्की हैं सारे और ये समझ से बाहर है कि किस तरह से चलाएगा पीसीबी। एक तरफ आपने एक डोमेस्टिक कोच अब्दुल रहमान को हेड कोच बनाकर भेज दिया इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में, और अब आप किसी और कोच को इस काबिल ही नहीं समझ रहे कि उसे असिस्टेंट कोच बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच बना देते। बात यह है कि नजम सेठी साहब ने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि जी लोकल कोचेस जो हैं वो सियासत करते हैं, तो भाई मिकी आर्थर भी पाकिस्तान में बहुत साल गुजार के गए, आधे पाकिस्तानी वो बन गए, वो भी बड़ी सियासत करते थे पहले, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ना करें, खून पर करते रहेंगे अपनी चलाएंगे सारी वो, ये चीज भी देखें सियासत के बजाय टीम की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। देखिए कोचेस क्या करते हैं, कोचेस हारेंगे तो बोलेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंड में तो प्लेयर्स को जाके खेलना है हम तो बता सकते हैं, वो तो अपना दामन छुड़ा लेते हैं, तो प्लेयर्स को खुश रखे ना, प्लेयर्स को आपने नाराज कर दिया, बाबर को आपने रेस्ट दे दिया जबरी, रिजवान को जबरी रेस्ट दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा आपने देख लिया अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हार गए, बच्चों के खिलाफ हम हारे सीरीज जो होना नहीं चाहिए था और पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन खैर अब हो गया तो हो गया, कोचेज आ गए सारे गोरे, उनसे सब खिलाड़ी बात कैसे करेंगे, अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएंगे, अब आपको तो अंदाजा लगा ले, ये पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि डिसीजन कहीं बैकफायर ना कर जाए, वर्ल्ड कप होने वाला है हमें पता ही नहीं हमारे कोचेस कौन है अभी, एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, एक तरफ अपने बड़े नामों को अहमियत ही नहीं देते, इंडिया में आप देख लें 7-8 साल हो गए वो कोई फॉरेन कोच लेकर आए नहीं, सारे अपने साबिक स्टार को बारी बारी वो मौका दे रहे हैं और वो टीम उनकी परफॉर्म भी कर रही है, हम पता नहीं क्यों फॉरेन कोच के पीछे जा रहे हैं, पहले कहा कि जी प्लेयर्स पावर है, प्लेयर्स पावर तोड़ने के लिए आपने सीनियर को रेस्ट करा दिया अफगानिस्तान से सीरीज हार गया, अब आप कह रहे हैं कोचेस सियासत करते हैं लोकल, अब आप फॉरेन कोच लेकर आएंगे फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये कुछ चीजें ठीक लग नहीं रही मुझे, होपफुली पीसीबी गौर करेगा कि किस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, एशिया कप भी होना है वर्ल्ड कप भी होना है, हमें अपनी टीम को सेटल करना है, वैसे ही प्लेयर्स को जबरी आराम देके उनका कॉन्फिडेंस तो खत्म कर ही दिया है और अब होना ये चाहिए था कि 2-3 यंगस्टर रखते और 2-3 सीनियर को रेस्ट कराते तो बैलेंस टीम होती जीत जाती, ऐसा किया नहीं एकदम इतने सारे यंगस्टर को खिला दिया, 4 का डेब्यू 4 ने कमबैक किया, टीम हार गई बुरी तरह, दोनों मैच सीरीज भी गवा दी और अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड के तकरीबन तमाम स्टार क्रिकेटर जो है वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं, एक बी टीम आ रही है, अब ये बातें हो रही हैं कि जी सीनियर्स को वापस ले आएंगे, अभी भी ये करना चाहिए इनको, सीनियर्स को लाएं बिल्कुल साथ में जूनियर्स को भी 2-3 रखें, इस तरह करेंगे ना तो टीम बनेगी, एकदम से आप सारे सीनियर्स को भी नहीं निकाल सकते, एकदम से आप सारे जूनियर्स को भी नहीं ला सकते, तवाजुन रखना टीम में जरूरी है, देखते हैं क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग आजकल तो खबरें चल रही हैं और जो खबरें चल रही हैं खासतौर पर जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से हैं बड़ा मजा आता है, बीसीसीआई जराए ने कहा, आईसीसी जराए ने कहा, पीसीबी जराए ने कहा, सामने आके बात नहीं कर रहा, मगर इन सब चीजों से लग रहा है कोई खिचड़ी पक रही है, मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई पस मंजर में कोई गेम चल रहा है, एकदम किसी दिन कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि जी ये डिसीजन हो गया, खैर देखते हैं, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।